हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ नीटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनिमेशन के बारे में। हम कैसे सीएसएस की हेल्प से अपने जो वेबसाइट होती है उसमें कैसे एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और अभी हम सीएसएस के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने एचटीएमएल के बारे में देखा था। तो अभी तक आपने हमारे एचटीएमएल के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके हमारी वेब डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि जो भी हम अपनी कोडिंग करते हैं वो अपनी न्यूटन स्कूल की आईडी पर करेंगे। सो बेसिकली न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आपको यहाँ प्लेसमेंट लगने तक कोई फ़ी नहीं देनी है। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़ एंड पर्सनल मेंटरिंग जैसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग कैरियर विद न्यूटन स्कूल। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तो उसके लिए हम अपने यहाँ से लॉगिन कर लेंगे क्योंकि जो भी हम अपनी कोडिंग करेंगे वो न्यूटन स्कूल की आईडी पर करने वाले हैं, तो उसको ओपन करने के लिए हमें यहाँ से लॉगिन करना होगा। तो अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप यहाँ से साइन अप कर लें। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में, और उसके बाद आपको आना है यहाँ मार्कअप प्लेग्राउंड में, और यहाँ पे आके एक अपना प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। तो हम यहाँ पे जो टाइटल है वो दे देते हैं सी एस एस एनिमेशन, और हम इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ वेब डेवलपमेंट। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो अब हमारी जो न्यूटन स्कूल की आईडी है वो ओपन हो गई है। तो अब क्या है, जो हमारा जावास्क्रिप्ट वाला प्लेग्राउंड है ये हम हाइड कर देते हैं, और जो हमारा एचटीएमएल का कोड होगा वो हम यहाँ पे देने वाले हैं, और जो हमारी सीएसएस का कोड होगा वो हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें जो अपना एचटीएमएल होता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें यहाँ क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे एक हम अपने हेड टैग बना लेते हैं, और हेड टैग में क्या करते हैं, जो भी हमारी वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें यहाँ पे देते हैं, जैसे कि हमारे टाइटल हो गया है, या हम अगर एक्सटर्नल तरीके से अपने वेबसाइट में सीएसएस ऐड करते हैं तो वो हमें यहाँ ही पे उसको लिंक करते हैं। और भी अगर हमें कुछ भी ऐड करना होता है, कोई भी हमें लाइब्रेरीज से कुछ भी हम ऐड करते हैं अपने जो वेबसाइट होती है उसमें, तो हमें यहाँ पर उसे इंक्लूड करना होता है। तो हम यहाँ पर इसका टाइटल दे देते हैं सीएसएस एनिमेशन। उसके बाद में हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे एक हम अपनी बॉडी टैग क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि तो जो भी हम अपने कोडिंग करने वाले हैं, मतलब जो भी हम अपनी वेबसाइट में कंटेंट देने वाले हैं, वो सारा कंटेंट हमारा बॉडी टैग के अंदर आना चाहिए, वरना वो विजिबल नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे एक div बना लेता हूँ, और इसमें हम नेम दे देते हैं इसको कंटेनर। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें क्लास दे देते हैं कंटेनर, और एक हम यहाँ पे और डिव बनाते हैं, और क्या करेंगे इसमें हम दे देते हैं क्लास आइटम। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इसमें कुछ बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम अपनी जो वेबसाइट होती है उसमें हम जो एनिमेशन होते हैं वो क्रिएट कर पाते हैं। तो मैं अब सबसे पहले हम यहाँ पे कंटेनर को, यहाँ इसको हम कंटेनर कर लेते हैं। और जब भी हम कोई भी क्लास को सिलेक्ट करते हैं तब हम डॉट लगा के करते हैं, और हमें कोई आईडी सिलेक्ट करनी होती है तब हम हैश लगाते हैं। तो इसमें मैं बैकग्राउंड कलर इसका कर देता हूँ सपोज ब्लू, और इसके बाद में हम यहाँ पे कर देते हैं जो हमारा आइटम वाली क्लास है उसको हम यहाँ पे कर देते हैं बैकग्राउंड कलर इसका सपोज हम कर देते हैं रेड, और इसकी हाइट और विड्थ कर देते हैं हम हाइट कर देते हैं इसके हम 100 पिक्सल कर देते हैं सपोज, और वेट कर देते हैं हम 100 पिक्सल,
तो ये हमारा, इसकी हम हाइट है जो वो हम इसकी चेंज कर देते हैं, हाइट कर देते हैं सपोज हम 400 पिक्सल। हम रहने देते हैं 100% ही। तो ये हमारा एक यहाँ पे ये बॉक्स हमने बना लिया है, और इसमें हम थोड़ा मार्जिन ऐड कर लेते हैं सपोज, और यहाँ पे हमें दिखना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक कंटेनर बनाया अपना, और उसके बाद में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने उसमें एक आइटम बनाया, और मतलब हमने एक डिव बनाई है, और उसमें हमने यहाँ पे ये ऐड कर दिया है। और इसको हमने यहाँ पे ये एक आइटम बनाया, उसमें हम उसका हमने क्या कर दिया है, कलर रेड कर दिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पे जो हमने एलिमेंट बनाया है डिव जिसका रेड कलर आ रहा है, इसमें हम एनिमेशन ऐड करेंगे और समझेंगे किस तरह से हम एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम एनिमेशन को देखें तो बेसिकली एनिमेशन क्या होता है, किसी भी स्टाइल को चेंज जब हम करते हैं, मतलब जो भी हमारा स्टाइल होता है जब वो टाइम के अकॉर्डिंग जब चेंज होता है तब उसी को क्या बोलते हैं, हम एनिमेशन बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी भी एलिमेंट में एनिमेशन देना होता है तब उस सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक हमें की फ्रेम हमें क्लियर करनी होती है, और उसमें हम देते हैं जो भी हमें अपने एनिमेशन का नेम देना होता है वो हम यहाँ पे देते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ एनिमेशन, एनिमेशन वन। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाऊँगा फ्रॉम, और उसके बाद मैं यहाँ जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन है वो रिलेटिव कर देता हूँ, जो भी हमारा आइटम है पोजीशन मैंने रिलेटिव कर दी। और अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो टॉप की है इसको हम 0 कर देते हैं, और इसमें हम जो हमारी लेफ्ट है उसको भी हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 करेंगे, और 2 करने के बाद सपोज मैं चाहता हूँ जो हमारा बॉक्स है वो हमारा ऊपर से कितना आ जाए, 10 पिक्सल आ जाए, और हम लेफ्ट से चाहते हैं वो आ जाए हमारा 100 पिक्सल। तो अब क्या करेंगे, अब हम जैसे हमारा जो आइटम है इसमें हम एक एनिमेशन नेम देंगे, और एनिमेशन नेम अगर हम यहाँ पे नहीं देंगे तो हमारी जो की फ्रेम है वो लिंक नहीं होगा। तो हमने जो एनिमेशन, जो हमारा की फ्रेम है इसमें जो हमने यहाँ पे नेम लिखा है, हम इसी को यहाँ पे एनिमेशन नेम में वैल्यू देंगे इसकी, एनिमेशन वन। और अब हम इसमें अपनी जो भी हमें एनिमेशन यहाँ पे ऐड करना, मतलब हमने क्या किया है, जो की फ्रेम है हम अभी एनिमेशन जो ऐड करेंगे उसमें क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी पोजीशन है हमारे बॉक्स की, वो हमारी चेंज होगी। टॉप से कितनी हो जाएगी वो 10 पिक्सल हो जाएगी, और लेफ्ट से कितनी हो जाएगी वो 100 पिक्सल हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देंगे, एनिमेशन ड्यूरेशन, और यहाँ पे सपोज मैं कर देता हूँ 3 सेकेंड, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो हम सेकेंड में यहाँ पे देते हैं। तो अब ये क्या है, यहाँ पे मूव होना इसने शुरू कर दिया है, और इसमें हम आइट्रेशन भी दे सकते हैं। जैसे मैं आइट्रेशन यहाँ पे सपोज दे देता हूँ एनिमेशन आइट्रेशन, यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ सपोज इसमें 5, तब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा एनिमेशन है वो यहाँ पे 5 टाइम्स चलने लगेगा। इसको हम अगर टाइमिंग इसकी और कम कर दें, 1 सेकेंड कर देते हैं, तो ये और भी फास्ट चलने लगेगा। तो इसमें हम थोड़ी इसकी वैल्यू और चेंज कर देते हैं, इसमें सपोज हम कर देते हैं 500 पिक्सल, और ऊपर से हम कर देते हैं यहाँ पे 50 पिक्सल। तो ये ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक अपने जो की फ्रेम है वो हमने यहाँ पे डिफाइन की, उसके बाद में हमने जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब हमारा जो एनिमेशन है वो यहाँ से हमारा चलेगा, मतलब जो इसकी जो स्टार्टिंग की वैल्यू होगी वो ये होगी, फिर जो फाइनल वैल्यू रहने वाली है हमारे एनिमेशन की वो होगी, मतलब फाइनल वैल्यू पे जो अभी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ये हमारी हो जाएंगी। तो इसमें अगर मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कितनी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आप चेंज करा सकते हैं। तो मैं यहाँ सपोज़ चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो बैकग्राउंड कलर में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका कलर अभी हमारा रेड है, हम अगर इसको चाहते हैं हम येल्लो कलर करना चाहते हैं, तो क्या होगा, जैसे ही ये एनिमेशन चलेगा हमारा, और ये हमारा कलर चेंज हो गया है।
ये तो हो गया हमारा ये एक मेथड, हमारे जो की फ्रेम में हम वैल्यूज देते हैं। एक हमारे पास ये भी मेथड होता है, हम क्या है परसेंटेज वाइज उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो परसेंटेज वाइज में हम बहुत ही आसानी से हम कर पाते हैं, मतलब हम अलग अलग मोमेंट पे क्या है अपने जो एनिमेशन की वैल्यू है वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 0% पे मैं ये करना चाहता हूँ, 50% पे मैं कुछ और वैल्यू ऐड कर देता हूँ इसमें। तो 50% में मैं चाहता हूँ इसका जो कलर है वो हो जाए यहाँ पे ग्रीन, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सपोज हम कर देते हैं यहाँ पे 20, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका 300। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ जो 100%, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, और जो हमारी अब फाइनल वैल्यू रहने वाली है वो हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो इसको हम कर देते हैं 100%, और इसमें क्या करेंगे हम टॉप से हम यहाँ पे 50 कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं 500, और इसमें हम कलर क्या कर देते हैं, इसमें हम कलर कर देते हैं सपोज पिंक कलर कर देते हैं। तो अब ये हमारा एनिमेशन कहाँ से चलेगा, पहले हमारा ये आ रहा है, फिर उसके बाद में हमारा एनिमेशन यहाँ चल रहा है। तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ है, जब हमने सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक की फ्रेम डिफाइन की यहाँ पे, उसमें हमने अपने जो एनिमेशन होता है उसका नेम दिया यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे जो अलग अलग मोमेंट पे जो भी हमें वैल्यू चेंज करनी है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। उसके बाद में हम आए अपने जो आइटम, मतलब जिस भी एलिमेंट पे हम एनिमेशन अप्लाई करने वाले हैं वो उस आइटम में हम आएंगे। तो सबसे पहले हम उसे क्या लिंक कर देंगे। तो लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एनिमेशन नेम देंगे, और फिर जो हमने की फ्रेम में वैल्यू दी है यहाँ पे वही हम यहाँ पे दे देंगे। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो एनिमेशन की होती हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एनिमेशन ड्यूरेशन हो गया, एनिमेशन डिले होता है, और एनिमेशन टाइमिंग टाइमिंग फंक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जब भी हमारा जो एनिमेशन जो चलेगा वो यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देखें तो हमारे पास आती है ईज, और उसके बाद इज़ इन आउट इज़ आउट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईज़ इन। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा एनिमेशन स्टार्ट होता है तब क्या होती है, जब उसकी वैल्यू जब जो एनिमेशन कोई भी स्टार्ट होता है तो वो स्लोली स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद में मतलब बीच में जाके वो फास्ट होता है, फिर एंड में भी वो स्लो हो जाता है। और ईज़ इन में अगर हम देखें तो ईज़ इन में क्या होता है, हमारा जो एनिमेशन है वो हमारा फास्टली स्टार्ट होता है लेकिन जो स्लोली वो जाके एंड होता है। तो हम इसकी जो वैल्यू है इसको हम वहाँ भी हटा देते हैं, इसको हम सपोज कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये स्लोली स्टार्ट हो रहा है और फास्टली क्या हो रहा है, ये एक्सिट हो रहा है एनिमेशन हमारा। तो ये हो गया हमारा इज़ आउट, और इज़ इन में सॉरी ये क्या हो गया हमारा इज़ इन। इज़ आउट अगर हम यहाँ पे देखें तो इज़ आउट में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब फास्टली ओपन होगा स्लोली जाके ये एंड होगा। और आप और भी इसकी वैल्यूज़ आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन आइट्रेशन हमने देख लिया। एक होता है हमारे पास एनिमेशन डिले। तो एनिमेशन डिले का मतलब क्या होता है, हमारा एनिमेशन है वो मतलब कितने लेट स्टार्ट होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 सेकेंड कर देता हूँ, तो हमारा जो एनिमेशन है वो 2 सेकेंड के बाद यहाँ पे चलेगा। तो जैसे 1 2 फिर ऐसे ही चलने लगेगा। इसकी आइट्रेशन का मतलब होता है, मतलब जो हमारा एनिमेशन है वो कितने बार रिपीट होने वाला है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिमेशन आइट्रेशन बोलते हैं, आइट्रेशन काउंट। तो ये हमारी हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने देख लिया एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब कितने एक जो एनिमेशन की साइकिल है वो कितने टाइम में कंप्लीट होने वाली, वो होता है हमारा एनिमेशन ड्यूरेशन। फिर टाइमिंग फंक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया एनिमेशन स्टार्ट होगा तो स्लोली स्टार्ट होगा या फास्ट होगा। फिर आता है हमारा एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले का मतलब क्या होता है, जो हमारा एनिमेशन है वो कितना मतलब कितने देर बाद वो स्टार्ट होने वाला है। एनिमेशन काउंट में क्या होता है, मतलब कितने बार एनिमेशन हमारा चलने वाला है। तो ऐसे ही इसके और भी वैल्यूज़ और भी हमारे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एनिमेशन डायरेक्शन हो गई, एनिमेशन डायरेक्शन में अगर हम देखें तो एनिमेशन डायरेक्शन में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज़ रिवर्स, अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ तो जो हमारा एनिमेशन है वो क्या चलेगा, हमारा रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट होगा। तो ये हमारा क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही और भी इसकी वैल्यू होती हैं, जैसे क्या अल्टरनेट हो गया, अल्टरनेट में एक बार हमारा मतलब इसमें अलग अलग वैल्यू चलती हैं, हमारा ये हो गया जैसे एक बार हमारा इस साइड में चला फिर उधर। तो ये हो गए हमारा एनिमेशन डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एनिमेशन की वो यहाँ पे देख ली हैं। तो हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हम जो हमने यहाँ पे ये अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए हमने
अलग अलग मतलब डिफाइन इनको किया है, हम इसको एक ही बार में हम शॉर्टकट में कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम देते हैं हम यहाँ पे एनिमेशन, सबसे पहले हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या देते हैं हम एनिमेशन का नेम। तो हम यहाँ पे एनिमेशन नेम हमारा क्या है, एनिमेशन 1। फिर आता है हमारा एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब जो उससे पहले हम यहाँ पे इसको कमेंट कर लेते हैं। फिर आता है हमारे पास एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन अभी मैंने आपको बताया, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनिमेशन ड्यूरेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमारा आता है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन में हम क्या देते हैं, हमारी जो हमारा जैसे एनिमेशन स्टार्ट स्लोली स्टार्ट करना है हमें या वो फास्ट करना है, तो सपोज़ मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ, ये हमारा हो गया एनिमेशन वो वाला फंक्शन, मतलब एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन हो गया ये हमारा। फिर हमारा आता है एनिमेशन डिले, मतलब कितना लेट हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं 1 सेकेंड। फिर ऐसे ही हमारे पास और होता है एनिमेशन, एनिमेशन आइट्रेशन आता है हमारे पास। एनिमेशन आइट्रेशन में क्या होता है, हम कितने बार अपने एनिमेशन को रिपीट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ 2 कर देता हूँ। फिर आता है हमारे पास डायरेक्शन, डायरेक्शन में जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं रिवर्स, तो जब हम रिवर्स कर देते हैं तो हमारा एनिमेशन क्या होता है यहाँ पे, अभी हमारा जो एनिमेशन आप जैसे कि आप देख रहे होंगे वो क्या है, स्लोली स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद में फास्टली जाके वो अभी देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्लोली ये स्टार्ट हुआ और स्लोली स्लोली ही क्या है, ये एंड हो रहा है एनिमेशन। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ईज प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने दे रखी है। ऐसे हमारे पास एनिमेशन की और भी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे एनिमेशन फिलिंग मोड। फिलिंग मोड में क्या होता है, जब हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो जाता है तब वो किस उसमें रहने वाला है, तो अभी हम इसको रिवर्स को हटा देते हैं, तो मतलब वो स्टार्टिंग वाली जो हमारी वैल्यूज़ हैं उस तरीके से रहने वाला है। अगर हम उसमें कर देते हैं बैकवर्ड, तो हम अभी आप देखेंगे बैकवर्ड करेंगे तो हमारा जैसे ही एनिमेशन कंप्लीट होगा और ये हमारी जो हमारी बाई डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है एनिमेशन की, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे ये जाके मतलब एंड हो जाएगा। अभी हम अगर इसमें कर देते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन कर देते हैं, तो फॉरवर्ड में क्या होगा, एनिमेशन फिलिंग मोड जब हम फॉरवर्ड करेंगे तो जब हमारा एनिमेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो वो हमारी जो फाइनल वैल्यू होती है एनिमेशन की, जो हमारी 100% जो हमने दी है, इन वैल्यू पे जाके वो एनिमेशन एंड होगा। सो गाइज, ये था हमारा एनिमेशन का ट्यूटोरियल और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बेसिकली क्या देखा, हम कैसे एनिमेशन को क्रिएट कर पाते हैं, तो मैंने बस आपको यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, मतलब किस तरह से आप अपने जो वेबसाइट होती है उसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं और एनिमेशन होता क्या है, हम उसका मतलब कैसे हम उसे अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की हमने इस वीडियो में देखी हैं। सो आई होप आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या है आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।